नमस्कार छात्रों, आज मैंने ये वीडियो सिर्फ स्टूडेंट के लिए बनाया है जो छात्र ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं या कुछ हायर स्टडी में जाना चाहते हैं इसके बाद, या जो छात्र 12वीं में भी पढ़ रहे हैं उनको ग्रेजुएशन करने के लिए कोई यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। तो इसके लिए आज मैं बाई चांस ये ग्रेटर नोएडा में गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी में घूमते घूमते पहुंच गया हूँ। तो यहाँ पे मेरे एक फ्रेंड हैं जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में टीचर हैं, और उसके बाद मैंने इस यूनिवर्सिटी को उनके साथ देखा, इस यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर। तो मुझे लगा कि मैंने कभी ये ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देखा है किसी भी यूनिवर्सिटी का, इवन BHU का भी नहीं है जो कि हमारे भारत की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है इंडिया की। और ये जो यूनिवर्सिटी की स्थापना है ये मायावती जी के कार्यकाल में हुई है, और 2008 से इस यूनिवर्सिटी को UGC से अप्रूवल मिला है, एक्रीडेशन। उसके पश्चात इसमें बहुत सारे कॉलेज चल रहे हैं, इसके अंतर्गत इसके कैंपस के अंदर ही 8 कॉलेज हैं जिसमें मेडिकल कॉलेज भी है, इंजीनियरिंग कॉलेज भी है, सोशल स्टडी भी है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है। तो कई तरीके के जो यहाँ पे पढ़ाई होती है अंडर ग्रेजुएट लेवल पर और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर, इवन PhD में भी। तो जैसा कि यहाँ पे हम वीडियो में भी देख रहे हैं कि साइड में जो एक एक करके यहाँ पे कॉलेजों की बिल्डिंग आ रही हैं, तो बहुत ही बिल्डिंग का तो कोई जवाब ही नहीं है, इतनी शानदार बिल्डिंग बनाई गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे टीचरों की बहुत समस्या है, जो यहाँ पे सिर्फ 95 टीचर हैं, मैंने इनकी वेबसाइट पे जाके देखा, जो परमानेंट पोजीशन पे वर्क करते हैं, और करीब 155 जो कि कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर हैं जो कॉन्ट्रैक्ट पे रखे गए हैं। उसके बाद हॉस्टल में जैसे कि रहने के लिए स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छा हॉस्टल भी बनवाया गया है, और व्यवस्था भी बहुत बढ़िया है हॉस्टल में, सिंगल सीटेड हॉस्टल हैं, हर एक स्टूडेंट के लिए एक अलग कमरा दे दिया जाता है, तो रहने की किसी भी तरीके से किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। मेस को भी मैंने देखा है तो काफ़ी साफ़ सुथरा मुझे नज़र आया, और जो बिल्डिंग का मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर देखा, आज तक मैंने किसी भी यूनिवर्सिटी का ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देखा। ये देख रहे हैं कि यहाँ पे बुद्ध जी की प्रतिमा लगी हुई है, और एक तरफ माननीय काशीराम जी की प्रतिमा है, दूसरी तरफ मायावती जी की है, और ये बीच में एक तालाब बनाया गया है। तो इस तालाब के चारों तरफ जो हमारे 8 कॉलेज हैं उनको रखा गया है, तो एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से प्लांट किया गया है, और बहुत ही सुंदर मुझे यूनिवर्सिटी लगा है। मैंने कई यूनिवर्सिटी देखी है उत्तर प्रदेश में, या बाहर भी देखी हैं उत्तर प्रदेश के, ऐसी बात नहीं उत्तर प्रदेश में ही देखा है, या हरियाणा में देखा है, पंजाब में देखा है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ देखी हैं। यहाँ पे देखेंगे ये जो अभी लाइब्रेरी का सीन चल रहा है, तो यहाँ पे ये इतना सुंदर लाइब्रेरी बनाया गया, इतना बड़ा स्टेयर है कि आप देखते रह जाएंगे। लेकिन इस यूनिवर्सिटी की जो दुर्दशा है इसके लिए जिम्मेदार कौन है, क्योंकि जो भी है आजकल की जो सरकारें हैं जिस तरह का उनका काम करने का तरीका है कि पढ़ाई लिखाई हो या किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देना, सिर्फ उनको लगता है कि सिर्फ पैसे से ही काम चलता है, तो ना तो कोई रिक्रूटमेंट करना है टीचरों का, स्टाफ में काफ़ी वैकेंसियाँ खाली पड़ी होंगी डेफिनेटली, इतना बड़ा यूनिवर्सिटी है, इतने सारे कोर्स हैं तो खाली तो होगा ही होगा। अब इस तरफ हम देख रहे हैं कि अभी हम जा रहे हैं ये स्टेडियम की तरफ भी जा रहे हैं, यहाँ पे स्टेडियम में भी देखा था हमने, बहुत ही शानदार तरीके से काम इसमें किया गया है यूनिवर्सिटी में, सारी बिल्डिंग्स रेड स्टोन से बनाई गई हैं, सैंड स्टोन से, और इतना अच्छा है कि आप एक बार खुद जाके देखेंगे तभी आपको ये यकीन होगा कि ये यूनिवर्सिटी सही में है भी या नहीं है, इतनी सुंदर जितना मैं बता रहा हूँ। और इनका एक ऑडिटोरियम है, इतना बड़ा कैपेसिटी है उसका कि प्रधानमंत्री जी भी आके यहाँ पे अपना वर्ल्ड क्लास लेवल का कार्यक्रम करते हैं, यूनेस्को का 25 नवंबर को यहाँ पे कार्यक्रम किया गया है था, और
वर्ल्ड वाइड सारी जगह से स्टूडेंट्स यहाँ आए थे, रुके थे, और उसके बाद भी इस यूनिवर्सिटी का देखिएगा क्या हाल बना के रखा है। और जो हमारे छात्र हैं या स्टूडेंट हैं उनके लिए यहाँ पे जो क्लासरूम है वो क्लासरूम इतने शानदार हैं कि आप देखते रह जाएंगे, क्योंकि सारे क्लासरूमों में सेंट्रल एसी है, जितनी भी बिल्डिंग है सारी सेंट्रल एसी लगाई गई हैं। क्लासरूम में सब डिजिटल क्लासरूम है, अच्छे अच्छे प्रोजेक्टर लगे हैं, स्क्रीन्स लगी हुई हैं, तो किसी चीज़ की फैसिलिटी से कमी नहीं है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी से कमी नहीं है। दिक्कत तो सिर्फ टीचर की है, और अगर टीचर यहाँ पे आ जाए तो इस यूनिवर्सिटी को क्या 15-20 साल में ही बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बराबर में खड़े होते देर नहीं लगेगी। लेकिन ऐसा नहीं कि यूनिवर्सिटी की स्थापना जो हुई है वो मायावती के कार्यकाल में हुई है, तो मायावती जी ने करवाई है, तो इसलिए ये सब तुष्टिकरण की जो राजनीति करते हैं, और पढ़ाई लिखाई जो भी इस तरह का जो पढ़ाई लिखाई एजुकेशन सिस्टम में भी ये लोग आ गए हैं, इस तरह की करती हैं चीज़ें घटनाएं, तो ये घटनाएं देखने के लिए तो किस तरह से देखा जाए, किस तरह से इनको ठीक किया जाए, ये बहुत ही आज के समय में पॉसिबल नहीं है। अभी देखेंगे ये स्टेडियम का सीन है, पीछे देख रहे हैं हम स्टेडियम में देख रहे थे, स्टेडियम में बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, क्रिकेट का प्लेग्राउंड है, बास्केटबॉल है, और भी तरह के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कोर्ट बने हुए हैं इसके अंदर। तो इतना सब कुछ होने के बाद और इसमें करीब 10,000 स्टूडेंट पढ़ते हैं, 100 से ज़्यादा कोर्स यूजी पीजी पीएचडी के चलते हैं, और मेडिकल साइंस का भी एक बहुत शानदार कोर्स चलता है, तो एडमिशन लेने के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ पे जो टीचर की फैसिलिटी है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, कि अगर टीचर का रिक्रूटमेंट हो जाए सही तरीके से तो ये यूनिवर्सिटी का मुझे लगता है 8 ही 10 साल में वर्ल्ड क्लास में अपना जो नाम जो वर्ल्ड रैंकिंग में अगर नाम आ सकता है। और धन्यवाद, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें चैनल को।